असलामुअलैकुम, इंस्ट्रूमेंट सॉल्यूशन चैनल से मैं हूँ तोहिन। इधर सामने आप दो टेम्परेचर सेंसर देख रहे हैं। ये है RTD रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, और ये RTD और थर्मोकपल के लिए एक कॉमन चीज यूज होता है, क्योंकि ये यूज ही करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग RTD और थर्मोकपल डायरेक्ट, ये जो प्रोसेस लाइन देख रहे हैं, ये प्रोसेस लाइन और बॉयलर पे यूज़ कर नहीं सकता हो, और वो है थर्मो ऑयल। तो देखिए, थर्मो ऑयल नॉर्मली तीन टाइप का रहता है, एक है फ्लांस टाइप, दो है थ्रेडेड टाइप, और तीसरा है ओल्डेड टाइप का थर्मो ऑयल। नॉर्मली ये तीन टाइप का थर्मो ऑयल यूज़ होता है, क्योंकि ये थर्मो ऑयल का वजह से हमारा RTD और थर्मोकपल का जो सेंसर है वो सेव रहेगा, मीन्स डैमेज से रोकेगा हमारा ये थर्मो ऑयल। तो इधर जो आप एक फोटो देख रहे हैं, इसमें एक प्रोसेस लाइन पे एक RTD लगा है, और देख रहे हैं ये फ्लो का वजह से क्या हाई प्रेशर का वजह से इसका जो सेंसर है, ये सेंसर डैमेज हो गया, मीन्स थोड़ा बैंड हो गया, और इसका वजह से ये प्रोसेस लाइन का टेम्परेचर कितना है वो कंट्रोल रूम पे नहीं जाएगा, मीन्स ये RTD क्या थर्मोकपल बैड हो जाएगा, फिर हमारा प्लान भी ट्रिप हो सकता है। तो आज का वीडियो में ये थर्मो ऑयल का बारे में आपको अच्छा से समझाने के लिए ट्राई करूँगा। तो चलिए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, ये है एक गैस का लाइन, और इसमें दो RTD ऑलरेडी इंस्टॉल किया, और तीसरा जो थर्मो ऑयल है ये थर्मो ऑयल लगा दिया, और ये एक्चुअली थ्रेडेड टाइप का है, लेकिन इसमें ओल्डिंग भी कर दिया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। फिर ये लाइन का अंदर भी आपको देखा रहो, देखिए ये हमारा तीन थर्मो ऑयल। नॉर्मली ये लाइन पे ऐसा होल करना पड़ेगा, पहले होल करने के बाद हमारा थर्मो ऑयल सीधा इसमें घुस जाएगा। तो देखिए, तीन थर्मो ऑयल इसका अंदर है, देख रहे हैं, ये एक्चुअली बहुत हैवी रहेगा, हार्ड रहेगा, और इसका वजह से फ्लो होगा क्या, ज़्यादा प्रेशर होगा, फिर हमारा जो टेम्परेचर सेंसर है, सेंसर का कुछ नहीं होगा। और इसका अंदर जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली एक कंट्रोल वाल्व है। तो ये लाइन से गैस आने के बाद पहले हमारा ये जो थर्मो ऑयल है, थर्मो ऑयल हीट होगा, देन हीट होने के बाद इसका अंदर हमारा जो टेम्परेचर सेंसर है वो भी हीट होगा, फिर कितना टेम्परेचर है वो हमारा कंट्रोल रूम पे भेजेगा। तो अभी ये तीसरा वाला RTD को इंस्टॉल करके फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए, हमारा तीसरा वाला RTD इंस्टॉल हो गया, और ये जो RTD है नीचे देख रहे हैं, एक छोटा निपोल यूज़ किया, क्योंकि हमारा जो RTD का सेंसर है इसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा है। मैं थोड़ा इसको ओपन कर रहा हूँ, ओपन करके आपको देखा रहा हूँ। देखिए, ये है हमारा जो RTD है, RTD का टेम्परेचर सेंसर। फर्स्ट हमारा थर्मो ऑयल हीट होगा, देन हीट होने के बाद ये टेम्परेचर सेंसर भी उसके साथ हीट होगा, फिर इसका जो रेजिस्टेंस है ये हमारा RTD में मिलेगा, और इधर से चला जाएगा हमारा DCS में। तो अभी मैं इसको लगा देता हूँ, फिर इसका केबल कनेक्शन भी आपको एक बार दिखाता हूँ। तो देखिए, ये हमारा RTD का इनसाइड है, मीन्स टर्मिनल साइड है। इधर देख रहे हैं तीन केबल कनेक्शन हुआ, क्योंकि ये हमारा 3 वायर का एक RTD है। इसमें जो व्हाइट कलर का देख रहे हैं, ये है RTD का कॉमन वायर, और दो हमारा RTD का नॉर्मल वायर। तो इसमें हमारा जो DCS का केबल वो कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये RTD एंड थर्मोकपल लेके मेरा बहुत सारा वीडियो है, ये सारा वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चाहिए तो ये वाला भी एक बार देख सकते हैं, फिर इसके बारे में भी आपका अच्छे से आइडिया आ जाएगा। तो ठीक है, मेरा लगता है आज का वीडियो में थर्मो ऑयल एंड RTD और थर्मोकपल का बारे में आपको अच्छे से समझने के लिए ट्राई किया। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक दे के मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को जरूर ऑन कर दीजिए, फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो वो भी आपको मिल जाएगा। और कुछ क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए। धन्यवाद।